आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या होता है हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस। पहले वीडियो में हमने हॉर्टिकल्चर की परिभाषा और उसकी ब्रांचों के बारे में पढ़ लिया है, आज हम हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन ह्यूमन डाइट। फ्रॉम ह्यूमन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू आवर डेली लिविंग। मेनी ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फाइंड प्लेस इन आवर मील्स एंड डाइट। तो अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का काफ़ी बड़ा रोल हो गया है उसके डाइट में। ओके, मील और डाइट में काफ़ी बहुत ज़्यादा रोल हो गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एनर्जी ईटीसी फॉर इट्स हेल्थ। ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दीज आर सप्लाइड बाई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो जो ये सारे जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन हैं, इन सब की सप्लाई जो है हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप से कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर चीफ सोर्सेस ऑफ विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन ईटीसी आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटेक्टिव फूड एज दे आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं तो इन सब चीज़ों में विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि जो सप्लाई होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए वो सारी सप्लाई जो है हम फ्रूट और वेजिटेबल से पूरा कर सकते हैं। अ पर्सन शुड कंज्यूम एट लीस्ट 120 ग्राम ऑफ फ्रूट पर डे एज पर ICMR। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बट द कंजप्शन ऑफ फ्रूट पर कैपिटा इन इंडिया इज स्टिल लो। तो ICMR के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूम कितना होना चाहिए, 120 ग्राम फलों का जो है पर डे और पर कैपिटा के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए, बट इंडिया में जो है इसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। हाउ एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट इज़ 172 ग्राम पर डे इन आवर कंट्री। लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है 172 ग्राम पर डे की मतलब अवेलेबिलिटी है हमारे देश में। इन कंट्रीज़ लाइक इटली, फ्रांस, USA द कंजप्शन इज़ 308 ग्राम, 332 ग्राम और 323 ग्राम पर डे रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इटली, फ्रांस और USA में काफ़ी ज़्यादा मतलब कंजप्शन किया जाता है फल और सब्जियों का। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा विटामिन हमारे फल और सब्जियों में होता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। ऑल दो रिक्वायर्ड इन वेरी मिनट क्वान्टिटीज, दे आर अब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। द डिफिशियंसी ऑफ एनी विटामिन फ्रॉम द डाइट फॉर कंसिडरेबल पीरियड मे लीड टू डिजीज स्टेट और डिसऑर्डर कंडीशन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे मतलब ह्यूमन डाइट के लिए विटामिन्स का, और अगर किसी भी विटामिन्स की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो बहुत सारे डिसऑर्डर, बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सप्लाई सीवियर विटामिन्स। तो जितना भी हमारा विटामिन्स होता है उसकी सप्लाई जो है फल और सब्जियों से जो है हम ईज़िली कर सकते हैं। पहला जो विटामिन है वो हम देख लेते हैं, विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड विगोर। इट इज़ इट अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा एंड प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस।
तो सोर्सेस देख लेते हैं किन किन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है, जो कि पके मैंगो में मतलब राइप मैंगो में होता है। उसके बाद पपाया में होता है, डेट्स में होता है, जैक फ्रूट में होता है, वैलनट में होता है। तो इन सब फलों को जो है हम कंज्यूम करके विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर है हमारे बॉडी में तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B1। इसका जो रासायनिक नाम होता है थियामीन। टोन्स द नर्वस सिस्टम एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसका जो फंक्शनिंग फंक्शन होता है वो इजली करता है। इट्स डेफिशिएंसी इन ह्यूमन डाइट रिजल्ट इन वेरी वेरी पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ स्किन। तो अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो वेरी वेरी डिजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस भी होने का चांस हो जाता है, और स्किन में सेंसिटिविटी आ जाती है, सेंसिटिविटी में जो है कमी आ जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट एंड फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, ये सब प्रॉब्लम जो है हमारे बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे बॉडी में जो है विटामिन B1 की कमी है। तो सोर्सेस देख लेते हैं, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, चेस्ट कैसुनट, वैलनट, ड्राई एप्रिकॉट, अलमंड, बनाना एटसेट्रा, ये सब जो हैं इन सब फलों में जो है B1 की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द स्किन। बॉडी ग्रोथ और स्किन की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है विटामिन B2। इट्स डेफिशिएंसी काजेस सोर थ्रोट, एनोरेक्सिया, कैटरैक्ट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी वेट एंड आल्सो डेवलपमेंट ऑफ सॉलन नोज। ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं अगर हमारे बॉडी में जो है विटामिन B2 की कमी है। तो सोर्सेस कौन कौन से हैं, वेल में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, लीची, बनाना, एप्रिकॉट, पॉमीग्रेनेट, पेयर, ETC, ये इसके सोर्सेस हैं किसके, B2 के, विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन के। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। इट डेफिशिएंसी काजेस डर्माटाइसिस, एनीमिया, अल्सरेशन एंड ओरल कैविटी। अगर हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी है या पायरिडॉक्सिन की कमी है तो ये सब प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिच फ्रूट्स आर चेस्टनट, वैलनट, अलमंड, एप्रिकॉट, एप्पल, प्लम। तो इन सब फलों में जो है विटामिन सी की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती। नेक्स्ट जो है नियासीन। इट्स अब्सेंस काजेस सोर टंग, पेलाग्रा, कॉम्प्लेक्स ऑफ डायरिया, लॉस ऑफ मेटल एप्टीट्यूड एंड डर्माटाइसिस, डीकलरेशन ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स, फीट एंड लेग्स एंड अंडर सीवियर कंडीशन, द मेंटाबैलेंस में शिफ्ट। अगर हमारे बॉडी में अगर नियासिन की कमी आ जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कौन कौन से फलों में नियासिन होता है, रिच फ्रूट्स आर चेस्टनट, वॉलनट, अलमंड, एप्रिकॉट, एप्पल, प्लम, ETC। आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। दिस विटामिन प्रमोट्स जनरल हेल्थ एंड हेल्दी गम्स, प्रिवेंट स्कर्वी डिजीज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन इन द जॉइंट एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, टूथ डिके एंड कीप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन गुड कंडीशन। बारबेडास चेरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है बारबेडास चेरी में। उसके बाद आंवला, गुआवा, बेर, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल इसके सोर्सेस हैं किसके, विटामिन सी के।
अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है हमारे फल और सब्जियों की, और अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। विच द सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर में एग्रो इंडस्ट्रीज कैन स्प्रिंग अप इन विलेज इट्सेल्फ। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल फैक्ट दैट हॉर्टिकल्चर कैन कम इन अ बिग वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सोर्सेस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इज रबर, ऑयल, गम, डाइज, केमिकल, ETC। रॉ मटेरियल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट्स हेंस बिकम अ सोल्यूशन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एरिया में जो है अगर प्रोडक्शन आप ज़्यादा करते हैं तो उस एरिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उसकी जो है मार्केटिंग के या एक्सपोर्ट करके जो है हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे जो इम्पोर्टेंस है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो जनरेटेड इन डूइंग फील्ड ऑपरेशंस लाइक फ्रूट पिकिंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड सेलिंग। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पिकिंग, हार्वेस्टिंग करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए जो है हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आप जो है उस एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। इन सीरियल लेबर इंगेजमेंट इज़ ऑफ 1/4-3 days एंड इन फ्रूट इज 850 days। लाइक ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, इट इज़ 1,000 to 2,500 man per day। ओके, तो ये सब जो है हम कहने का मतलब ये है कि किसी एरिया में जो है अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हर चीज़ के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो पिकिंग हो, हार्वेस्टिंग हो, ग्रेडिंग हो, तो इन सब चीज़ों में जो है वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें वहाँ उस एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन, मेडिसिनल वैल्यू क्या है। द पार्ट लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, रूट एंड इवन द फ्रूट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स आर यूज टू मेक ड्रग, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड्स, ETC। रोज वाटर इज यूज टू क्योर आई एलिमेंट्स। सिमिलरली सेफ्रॉन इज इम्पॉर्टेंट इनग्रेडियंट ऑफ मैनी मेडिसिंस। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम, लीफ, फ्लावर, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जिनका स्टेम, लीफ, फ्लावर जो है हम मेडिसिनल पर्पस से यूज कर सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, पपेन इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि पपाया के प्लांट से निकाला जाता है। सिट्रस फ्रूट्स लाइक स्वीट लाइम इज यूज्ड फॉर लीवर एलमेंट। राइंड ऑफ पोमग्रेनेट एंड पैक्टिन फ्रॉम गोवा यूज टू स्टमक अपसेट। बार का फर्जुन ट्री फॉर हार्ट ट्रबल्स। नीम वाटर ऑफ स्किन इरिटेशन एंड एलर्जीज। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो कि हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हैं, इनका जो है हम मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं एस्थेटिक वैल्यू क्या है। एस्थेटिक वैल्यू में एस्थेटिक वैल्यू एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस इज द यूनिक फैक्टर डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मैंगो लीव्स, वुड, बनाना लीव्स, ETC आर यूज्ड फॉर रिलीजियस फंक्शन। देखे होंगे मैंगो का लीव्स और मैंगो की लकड़ी जो है, बनाना की पत्ती जो है, रिलीजियस फंक्शन में जो है काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती हैं। सिमिलरली द प्लांटेशन ऑफ बनाना ट्री इन द कोर्ट यार्ड और तुलसी प्लांटेशन इज सेड टू ब्रिंग प्रॉस्पर्टी एज पर हिंदू रिलीजन। देखोगे बनाना ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कोर्ट यार्ड में यूज करते हैं, तुलसी को जो है अपने आंगन में लगाते हैं, जो कि ये हिंदू रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।